गाइज हाई, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ शाइनी। आई होप यू ऑल आर सेफ एट होम। और अब देखिए, अभी का जो सिचुएशन है उनमें पार्लर तो हम जा नहीं सकते, सो घर पर ही हमें जो अनवांटेड हेयर रिमूवल प्रोसेस है वो करना पड़ रहा है। सो अगर आपके अनवांटेड हेयर परमानेंटली रिमूव हो जाते हैं, वो भी घर पे विदाउट एनी पेन, तो कितना अच्छा होगा, राइट? सो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आप किस तरीके से अपने अनवांटेड बॉडी हेयर को रिमूव कर सकते हैं विदाउट एनी पेन। काफी ज्यादा अफोर्डेबल प्रोसेस है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, घर पे आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। सो चलिए, बिल्कुल टाइम वेस्ट के बिना मेरे आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो प्रोसेस मैं दिखाने जा रही हूँ, ये मेन विमेन सभी ये प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। ये सभी के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है एंड काफी ज्यादा पेनलेस प्रोसेस है। तो अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या फिर आपको वैक्सिंग से प्रॉब्लम होता है तो भी ये आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ये है न्यू नेचुरल हेयर इनहिबिटर, जिसके अंदर एडवांस्ड फॉर्म्यूला है विथ पीडिया टेक्नोलॉजी। ये परमानेंटली आपके हेयर को रिमूव करता है, बट ये कोई ऐसा हेयर रिमूवल क्रीम नहीं है। ये एक ऐसा क्रीम है जो आपको हेयर रिमूवल प्रोसेस के बाद अप्लाई करना है अपने अनवांटेड हेयर, जहां पर आपको नहीं चाहिए उस एरिया पर। तो मैं आपको सारे प्रोसेस सब कुछ समझा दूंगी। फर्स्टली लेट मी टॉक अबाउट द पैकेजिंग, क्योंकि पैकेजिंग पर्सनली मुझे काफी अच्छी लगी है इसकी। तो आप लोग देख सकते हैं, इस तरीके का एक कार्डबोर्ड बॉक्स में ये आता है, जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत गोल्ड एंड ब्लैक पैकेजिंग में है। तो इस बॉक्स को आप इस तरीके से ओपन करेंगे तो इसके अंदर आपको ये वाला जो बॉटल है, पंप सिस्टम वाला बॉटल, जहां पर एक्चुअल प्रोडक्ट है वो मिलेगा। सो ये जो कार्डबोर्ड केस है, ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी एंड काफी ज्यादा इंप्रेसिव भी है। एंड सारे इंस्ट्रक्शंस इस कार्डबोर्ड केस में भी दिए गए हैं एंड इस बॉटल में भी दिए गए हैं। और बॉटल काफी ज्यादा, पंप सिस्टम तो काफी ज्यादा यूजर फ्रेंडली, हाइजेनिक होता है एंड ट्रैवल फ्रेंडली भी होता है। सो अब देख लेते हैं कि इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। सो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स है पपाया, सनफ्लावर ऑयल। सो दीज आर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स बाय द वे, क्योंकि ये नेचुरल हेयर इनहिबिटर है। ये नेचुरल है 100% एंड बिल्कुल सेफ है और काफी ज्यादा इफेक्टिव भी है। इसके अंदर नेचुरल फ्रेग्रेंसेस है, तो ये एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। ऑल्सो ये GMP सर्टिफाइड है। अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। हाँ, प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको शायद लग सकता है कि ये कॉस्टली, बट ये कॉस्टली नहीं है, वो मैं समझाती हूँ आपको। पहले प्राइस बता दूँ, सो इसका प्राइस है 1499 रुपीज, मतलब 1500 रुपए इसकी प्राइस है फॉर 80 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन ये बिल्कुल कॉस्टली नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग कैलकुलेशन करें तो जब आप पार्लर जाते हैं वैक्सिंग कराने, तो कितना खर्च होता है, इतना ही खर्च हो जाता है। तो जितनी बार आप जाएंगे उतना टाइम आपको खर्च करना पड़ेगा, उतने पैसे। अगर आप घर पे वैक्सिंग नहीं करते, आप घर पे हेयर रिमूवल प्रोसेस करते हैं, तो हेयर रिमूवल क्रेम्स भी तो आपको खरीदना पड़ता है, और ऊपर से उन क्रेम्स को लगाओ, फिर यू नो अनवांटेड हेयर को रिमूव करो, तो काफी लंबा प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, जो कि आपको बार बार करना पड़ता है, उससे भी पैसे खर्च होते हैं। लेकिन ये सिर्फ 1500 रुपए का है, जो कि परमानेंटली आपके हेयर को रिमूव करेगा। सो डेफिनेटली मेरे ख्याल से तो ये काफी ज्यादा अफोर्डेबल है, अगर मैं कैलकुलेट करके देखूँ तो। तो अब बात करते हैं कि इसे किस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है, इसे कब इस्तेमाल करना है, कितनी बार इस्तेमाल करना है और कैसे इस्तेमाल करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो है ना, ये कोई हेयर रिमूवल क्रीम नहीं है, ये नॉर्मल एक क्रीम है। तो ये पंप सिस्टम में आता है, इस तरीके से आपको इसे पंप करना है एंड आप लोग देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल क्रीम जैसी है। एंड फ्रेग्रेंस बहुत ही ज्यादा माइल्ड फ्रेग्रेंस है, विच वोंट बॉदर यू। और फ्रेग्रेंस अच्छा ही है, मुझे इसका फ्रेग्रेंस बिल्कुल भी खराब नहीं लगता। अब इसको आपको इस तरीके से क्रीम की तरह मसाज करना है एंड दैट्स इट। बिल्कुल ये अब्सॉर्ब हो गया आपके स्किन में, जैसे आप बॉडी लोशन लगाते हैं उसी तरीके से। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आप इसे अपने फेस पर, अपने इंटीमेट एरियाज पर, जहां पर भी आपको अनवांटेड हेयर की प्रॉब्लम है, आप उन एरियाज को अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज ग्रेट, क्योंकि ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है, सो डेफिनेटली ये आपके स्किन में इस्तेमाल करने के लिए सेफ है। सो आप इसे फेस पर भी और इंटीमेट एरियाज पर भी लगा सकते हैं। सो आपको इसे लगाना कब है, अब ये क्वेश्चन आता है
दिमाग में। देखिए जब आप हेयर रिमूवल प्रोसेस कर रहे हैं, किसी भी हेयर रिमूवल प्रोसेस, चाहे वो वैक्सिंग हो या फिर रेजर हो या फिर हेयर रिमूवल क्रेंस हो, तो उससे आपने जब हेयर को रिमूव कर लिया है तब आप पैड ड्राई कर लीजिए। फिर आपको लगाना है ये क्रीम उस एरिया पर जहां से आपने हेयर को रिमूव किया है। उसके बाद अगर आपने वैक्सिंग किया है तो वैक्सिंग करने के 5 दिनों तक लगातार डेली 2 टाइम्स आपको उन एरियाज पर इस क्रीम को इस्तेमाल करना है। और अगर आपने वैक्सिंग नहीं किया है, रेजर इस्तेमाल किया है या फिर हेयर रिमूवल क्रीम इस्तेमाल किया है, तो आपको डेली एक बार इसे जहां से हेयर रिमूवल किया है उन एरियाज पर इसे अप्लाई करना है डेली एक बार, और वैक्सिंग किया है तो डेली 2 बार आपको इसे लगाना है, जब तक कि ना आपका हेयर ग्रोथ स्टार्ट होता है। अब ये एक परमानेंट प्रोसेस है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स इसमें है, तो ये बिल्कुल भी ऐसे झट से परमानेंटली रिमूव नहीं करेगा, काफी अफोर्डेबल भी है। थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा, इनफैक्ट नेचुरल इंग्रेडिएंट्स में वर्क करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। ये क्या करता है, आपके हेयर रिमूवल प्रोसेस को धीरे धीरे स्लो डाउन करता है, जिसकी वजह से हेयर परमानेंटली रिमूव हो जाएंगे, आपके हेयर ग्रोथ जो है वो परमानेंटली रिड्यूस हो जाता है। हेयर ग्रोथ को ये इनहिबिट करता है, मतलब हेयर ग्रोथ को ये रोकता है, इसीलिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के इसे इस्तेमाल करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम ये लेता है। सो डेली बेसिस पर आपको इसे लगाना है, जब तक कि ना छोटे छोटे हेयर आना स्टार्ट हो जाता है, एंड जब आपके हेयर आना स्टार्ट हो जाए उस वक्त आप इसे लगाना स्टॉप कर दीजिए। फिर से आप हेयर रिमूवल प्रोसेस कीजिए, चाहे आप कोई क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं, रेजर या वैक्सिंग। उसके बाद जब हेयर रिमूव कर लिया, उसके बाद जस्ट ड्राई कीजिए एंड अगेन इस क्रीम को डेली बेसिस पर अप्लाई करते रहे नेक्स्ट हेयर ग्रोथ होने से पहले तक। जब हेयर ग्रोथ हो जाए, हेयर के ऊपर बिल्कुल भी ये ना लगाए, हेयर को रिमूव करने के बाद फिर इसे लगाए। आई होप सब कुछ क्लियर है, इसे किस तरीके से इस्तेमाल करना है मैंने आप सबको ठीक से समझाया है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी ये किस तरीके से आपके हेयर ग्रोथ को इनहिबिट करता है या फिर रोकता है। हेयर रिमूवल प्रोसेस के बाद ना स्किन में जो पोर्स है वो पोर्स ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये क्रीम डीपली पेनिट्रेट करता है आपकी स्किन में और ये आपके पोर्स के थ्रू एंटर करता है। इसमें पीडीआर टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए ये स्टॉप करता है हेयर ग्रोथ एक्टिविटी को हेयर फॉलिकल लेवल पर जाकर, मतलब ये आपके हेयर के जो फॉलिकल है, जहां पर हेयर बल्ब है, वहां पर जो भी हेयर ग्रोथ की एक्टिविटीज हो रही है उन हेयर ग्रोथ एक्टिविटीज को ये डीएक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से हेयर ग्रोथ बॉडी में स्टॉप हो जाते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा धीरे धीरे करेगा, ऐसे यूं ही स्टॉप नहीं कर पाएगा, तो जिसकी वजह से परमानेंटली छुटकारा पाने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा। सो अगर आप इस क्रीम को परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने लिंक प्रोवाइड किया है, आप डेफिनेटली इसे परचेज कर सकते हैं और इसे मैन वुमेन सभी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं आपको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, एंड इस पेंडेमिक में आई थिंक ये जो है ये लाइफ सेवर है इस दौरान। सो आप इसे डेफिनेटली ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इसी तरीके का वीडियोस हर रोज देखने के लिए। आज के लिए इतना ही, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय।